नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज में, आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बुलंदशहर विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति पर हत्या का आरोप, मृतक की बहन ने की बहन के कातिल को फांसी की मांग। पति की थी दो बीवियां, इसी बात को लेकर रहती थी पति पत्नी के बीच खटपट। घटना से दो दिन पहले मायके में ही पति ने की थी पत्नी के साथ बेरहमी से पिटाई। मृतक की छोटी बहन ने बनाया था पति की हैवानियत का वीडियो, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पत्नी की हत्या कर घर का ताला लगाकर आरोपी पति हुआ फरार। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया विवाहिता का शव। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के भूड़ क्षेत्र का रात का है मामला। संवाददाता अमित राणा। बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत खान है और मैं वाजिदपुर से हूँ, खुर्जे के पास से। और मेरी सिस्टर को बहका के शादी कर ली और उसको लेके चला गया। बोल रहा था कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा। अब दोनों मैरिड थे, उसने अपना हस्बैंड छोड़ दिया, उसने अपनी वाइफ नहीं छोड़ी। उसके बाद उसे मारा पीटा और परसों भी उसे खूब मारा था और मैं वीडियो भी दिखाऊंगी, आपको शेयर करूंगी। और उसके बाद उसने कल उसको फांसी लगा के मार दिया और ताले में बंद करके चला गया। स्विच ऑफ कर लिया फोन, और फोन भी ऑफ कर रखा, मिल ही नहीं रहा। उसके पूरी फैमिली वाले का फोन ऑफ है और उसकी पूरी फैमिली में घर पर कोई भी नहीं है। अच्छा, किस तरह की बेटा मांग करते हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हमारे साथ हुआ ऐसे उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि आगे को भी और भी बेटियां हैं, हम भी हैं, हमारे साथ भी कोई ऐसे करे। हम नहीं चाहते किसी के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा हो। उसके पूरा परिवार उठ के आना चाहिए, उस लड़के को फांसी होनी चाहिए। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।